कोरबा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी भगेंद्र रघुवंशी ने बुधवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम हर्षल चौधरी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। जानकारी अनुसार इसके पर्व पांच विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी नामांकन पत्र लेकर जा चुके हैं, लेकिन इस विधानसभा से क्षेत्र पहला नामांकन फॉर्म कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जमा किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी गगेंद्र रघुवंशी ने अपने नामांकन फॉर्म में अपनी आय, व्यवसाय व शिक्षा को दर्शाया है। नामांकन फॉर्म जमा करते समय गगेंद्र रघुवंशी के साथ उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पार्वती रघुवंशी मौजूद रही। नामांकन पत्र जमा करने जाने से पूर्व प्रातकाल छतरी नाका स्थित हनुमान मंदिर व मदन मोहन सरकार के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर अर्जी लगाई। इसके बाद श्री रघुवंशी अपने निवास स्थान लिंग रोड से होते हुए नगर के मुख्य मार्ग छतरी नाका, कस्टम पथ कठाली बाजार, सराफा बाजार, चांदनी चौक से होते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र जमा किया। क्या लग रहा है, कैसा चुनाव है इस बार आपका और भाजपा? चुनाव तो बहुत भारी होते हैं, लेकिन हमारी मेहनत, हमारी पब्लिक के साथ जो जुड़ा है, इसलिए हमारा चुनाव बिल्कुल अच्छी लीड के साथ हम जीते हैं। कम क्या मुद्दों पर लेके जाओगे क्षेत्र में? क्षेत्र में क्या है कि भाजपा की सरकार और भाजपा के यहाँ पर विधायक रहे हैं 30 साल में, उनने किसानों के लिए कोई नहर वगैरह है और अपने डैम है कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हम किसानों के लिए जो है ना पानी लाइट की व्यवस्था करें। जनता बहुत दुखी है 15-20 साल से उस विषय पर, आप क्या जनता के लिए क्या नए उद्योग लगाएंगे? जनता के बीच में हम रहेंगे और जनता का ऐसे हॉस्पिटल है, उसके लिए अपन अच्छी तरीके से सिस्टम जमाएंगे और शिक्षा का। और दूसरी बात जो है, आजकल करप्शन बहुत ज़्यादा है, इस पे आप चौथे स्तंभ हो राजनीति की, तो अपन सब मिलके उसके लिए भी देखेंगे। समझ में, रेलवे लाइन और जिले के बहुत बड़ा मुद्दा है, हर बार रहता है, उस पर क्या रहेगा? माता के लिए जगह जगह वो अपनी गौशाला खुलवाएंगे और अब जिला की तो अपन पूरी कोशिश करेंगे, अगर रेल को वो कुछ भी देखेंगे, मगर हम प्रयास करें तो जिले की सौगत दिलाने की प्रयास करेंगे ना। क्षेत्र वाले प्रयास करेंगे कि जब अपने हाथ में कमान होगी, पूरी ताकत अपन लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।